पांचवें मुहर्रम का शाही जुलूस इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नसी अदनान फरुख अली शाह उर्फ मियां साहब के नेतृत्व में धूमधाम से निकाला गया। जुलूस निकलते ही मियां साहब का जगह जगह सभी धर्मों के लोगों द्वारा फूल मालाओं व पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं शांति के प्रतीक मियां साहब के स्वागत में जगह जगह सफेद कबूतर उड़ाए गए। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा उल्लास के साथ जगह जगह पर स्वागत किया गया। मियां साहब के शाही जुलूस में सबसे आगे इमामबाड़ा स्टेट का परचम, उसके बाद मियां साहब के निजी सुरक्षा गार्ड सफेद व आसमानी वर्दी में लंबी कतार के साथ चल रहे थे। जुलूस की शोभा कई अदद बैंड वादक व शहनाई वादक बढ़ा रहे थे। जुलूस में घुड़सवार भी आगे चल रहे थे। मियां साहब का जुलूस अपने निर्धारित मार्ग पर धीरे धीरे जुलूस आगे बढ़ा और इमामबाड़ा स्टेट से निकलकर बख्शीपुर, अलीनगर, करबला मैदान सहित विभिन्न मोहल्लों में होते हुए वापस इमामबाड़ा में समाप्त हुआ। मियां साहब ने सभी को धन्यवाद देते हुए अपील किया कि सभी लोग प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परंपरागत तरीके से शांतिपूर्वक कार्यक्रमों को करें। इस संबंध में दूरभाष पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अदनान फरुख अली शाह उर्फ मियां साहब ने कहा,
हमारा स्टेट का रिवायती परंपरागत कदीमी 350 साल पुराना जलूस है जो मियां साहब की कया रिवायती जलूस में तमाम शहर गोरखपुर के लोग शामिल होते हैं बगैर जाति मजहब पंथ के देखे हुए। और अली नगर के चरण लाल चौराहे से नौजवान लड़कों ने स्टेज लगाया है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं कि जिस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इमाम हुसैन की याद में अगर जो ये जलूस न निकले और इमाम हुसैन का नारा न लगे तो दुनिया के अंदर इमाम हुसैन का जो मकसद था, जो पैगाम था, वो लोग भुला देंगे। उसी याद को ताजा रखने के लिए ये जलूस है हुसैनी उठता था अल्लाह। सुजलूस है परंपरागत इमामबाड़ा स्टेट के सैयद अदनान फारूक अली शाह मियां साहब की कयादत में आपके सामने से गुजर रहा है। ये तारीख साज मौका है। इमामबाड़ा स्टेट सैयद इरशाद अहमद साहब की कयादत में आज हम लोग मियां साहब के इमामबाड़ा स्टेट के मुहर्रम के पांचवी के इस जुलूस का खैर मकदम करते हैं। मैं शाकिर अली सलमानी इस्तकबाल करता हूँ मियां साहब के इस रिवायती परंपरागत जुलूस का। तमाम शहर गोरखपुर के लोगों की जानिब से इमामबाड़ा स्टेट मियां साहब के इस रिवायती जुलूस को हम सलाम करते हैं। इमाम हुसैन की याद में नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम का दामन, इमाम हुसैन तेरा नाम पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज पचपी का जुलूस अपने पूरे शान शौकत से पूरे रिवायत के साथ परंपरा जो है पुरानी उसी के उससे निकला था जो इमामबाड़े से होकर के सारे मोहल्लों में जो वहां से गुजरता हुआ वापस अपने वापस अपने इमामबाड़े में आ गया। और कोरोना काल में 2 साल सारी दुनिया बंद थी और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने कोरोना को मात दी है और फिर से हम लोग अपने अपने पर्व जो है वो अच्छे माहौल में मना रहे हैं। अब नवी बस्ती का है प्रोग्राम जो बड़ा जुलूस निकलता है तो नवी का रात में निकलता है 9:30 बजे वहाँ बड़े परिसर से और बस्ती का यही सेम टाइम है जो पांचवी वाला है। लोगों से अपील करना चाहेंगे? जी यही अपील करना चाहेंगे कि बहुत प्रशासन का सहयोग करें और बहुत सुकून के साथ अमन और अमान को कायम रखते हुए और मुहर्रम पर्व को संपन्न करें।